एक बार फिर से मेरे न्यूज चैनल 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान एवं अन्य लंबित एरियर के राशि से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में यह पत्र हुआ है जारी। यानी जितने भी प्रकार के आपके जिले में बकाया राशि है उससे संबंधित आपको प्रतिवेदन उपलब्ध कराना है और उसके आधार पर आपके जिला में आवंटन भेजा जाएगा और आपका सभी प्रकार का बकाया एरियर का भुगतान किया जाएगा। तो पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। उससे पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय के द्वारा यह पत्र जारी हुआ है 6/8/2024 के डेट में, जिसका प्रेषक है मिथिलेश मिश्र, निर्देशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी। विषय शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान एवं अन्य लंबित एरियर की राशि से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में। उपयुक्त विषय कहना है कि शिक्षकों का बकाया वेतन एरियर की राशि के भुगतान से संबंधित आवेदन निर्देशालय स्तर पर प्राप्त होते रहते हैं, साथ ही प्रोन्नति MACP के बाद भी लंबित बकाया वेतन भुगतान की शिकायतें प्राप्त हो रही है। अतः आपको निर्देश किया जाता है कि पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में दिनांक 31/7/2024 के आधार पर शिक्षकों का बकाया वेतन भुगतान एवं अन्य लंबित एरियर की राशि से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाए। यह जो पत्र जारी किया गया है मिथिलेश मिश्र के द्वारा जारी किया गया है और यहाँ पर जो विहित प्रपत्र दिया हुआ है यह 3800 जिला के लिए दिया गया है, जिसमें आपको जियो भी मद का भी दिया हुआ है जो कि ट्रेजरी का। यहाँ पर आप देख रहे हैं भुगतान हेतु वांछित राशि दिया हुआ है किशनगंज, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण एवं सुपौल का। अन्य का अभी तक जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए आप सभी अवश्य इस विहित प्रपत्र में भरते हुए अपना जो संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराना है निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें, ताकि जो भी आपके ज़िले में बकाया राशि है चाहे वह जिस प्रकार की राशि है उसका उल्लेख करते हुए आप प्रतिवेदन उपलब्ध करा दें, ताकि राज्य द्वारा सभी जिला को राशि भेजा जा सके और वैसे सभी शिक्षकों का बकाया एरियर का भुगतान किया जा सके। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बनाए रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह के शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।